काम करने की बात हो, फसल का प्लान चलता है, खाद का, डी ए पी का, जो किलत हो रही है सबको परेशान है उससे, और सिर्फ घोषणाएं करी नौकरियों के लिए। मुझे लगता है कि सरकार के साल भर का जो काम का आंकड़े में जनता करेगी। सातों सीटों पर हम लोग अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि भारी बच्चे जीतेंगे। दौसा से डी सी वर्मा जी हमारे उम्मीदवार हैं और पूरी पार्टी पक्का चलेगी वही है। 36 कौम के लोग मिलकर यहाँ से ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को दिलाएंगे। तो कितनी ताकत लगा ले, तंत्र लगा ले, संतरी मंत्री पूरे यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन दौसा ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, रानी मीणा जी का साथ दिया, हमारा साथ दिया। आज जैसे बैरवा जी उम्मीदवार हैं, भारी मतों से जीत कर जाएंगे। देखिए, चुनाव होता है, मैं किसी के बारे में कभी टिप्पणी करता नहीं हूँ, मैं किसी प्रकार की राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन चुनाव विचारधारा का है, चुनाव पार्टियों का है। और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 10 साल से लोगों को जो विश्वासघात तरह से किया है उसको लोग देख रहे हैं। और साल भर से सरकार बीजेपी की राजस्थान में है, हमारी सारी स्कीम्स को उन्होंने बंद किया है, जन कल्याणकारी योजना जो हमारी सोच है राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की, उसको उन्होंने बंद करने का काम किया। और अपने खुद के वादे नहीं पूरे कर पा रहे हैं जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए बीजेपी ने। जनता जवाब मांगेगी और जनता को जवाब देने का एक अधिकार मिलता है चुनाव के माध्यम से। इस उपचुनाव में एक संदेश जाएगा, भारी मतों से हम जीतेंगे। और दौसा में जहाँ का बहुत चर्चा हो रही है और लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मुझे विश्वास है कि एक गरीब घर में पैदा होकर इस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वो सबके मनों को जीतेंगे और भारी बहुमत के साथ डीसी बैरवा जी विधानसभा पहुंचे। जगमोहन मीणा सचिन पायलट की तरह सौम्य है, जगमोहन मीणा की आपसे तुलना की है कि सचिन पायलट की तरह सौम्य? मैंने कहा ना, मैं किसी के बारे में व्यक्ति टिप्पणी करता ही नहीं हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव किसी समाज का नहीं है, ये चुनाव दो दलों का है, दो विचारधाराओं का है। और अपने काम के इतिहास के दम पर, अपने इस दौसा के लिए किसने क्या किया है या नहीं किया है, जनता ने बराबर मौका लोगों को दिया है। लोग तुलना करेंगे कि किसके राज में ज़्यादा काम हुए, कांग्रेस के राज में दौसा में कितने काम हुए और बीजेपी में कितने काम कराए हैं। भाजपा के नेता जो आज भाषण दे रहे हैं उनका जवाब देना पड़ेगा। आपके शासन में प्रदेश में लोगों पर गोलियाँ चली थी, समाज में टकराव लोगों के कराए थे, आपस में लोगों को बढ़ाया था, वो जो माहौल पैदा हुआ था उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है कि नहीं है? और आज जब दोबारा शासन में आप आए हैं, आपने बहुत सारे वादे किए और आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और उपचुनाव में जनता मन बना चुके दौसा में कि यहाँ पे सब मिलकर बैरवा जी को चुनाव। मैच फिक्सिंग की अफवाह उड़ रही है। मैंने कहा ना, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी और बैरवा साहब विधानसभा पहुँचेंगे। और जो लोग इस प्रकार की चर्चाएँ करते हैं या जो अपने बहुत अति आत्मविश्वास में आज जी रहे हैं हमारे साथी भाजपा वाले, उनको पता पड़ेगा परिणाम की जब मतगणना होगी तो भारी बहुमत से बीसी बैरवा विधानसभा पहुंचे। तो असली तो मालिक जनता होती है और